हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल हेयर सीरम का रिव्यू, जो कि स्ट्रीक्स का हेयर सीरम है। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइज। मैं इस वीडियो में इसकी फुल डिटेल बताने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बिना देरी किए चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की गाइस। ये किसी कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में नहीं आता है, सिंपली आपको इसी बॉटल में रिसीव होगी। ये 45 ml की बॉटल है, छोटी वाली बॉटल है। इससे इसकी बड़ी क्वांटिटी भी आती है जो कि 100 ml की है, बट ये जो 45 ml की बॉटल है बहुत हैंडी है गाइस, ट्रैवल फ्रेंडली है और बहुत क्यूट है इसकी पैकेजिंग। इसकी MRP 120 रुपीज़ है, बट आपको ये ऑनलाइन डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है गाइज, स्ट्रीक्स हेयर सीरम विटलाइज्ड विद वॉलनट ऑयल। इसमें वॉलनट ऑयल ऐड है जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये हेयर सीरम आपके बालों को पॉलिश करता है, स्मूथ करता है एंड सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है। सच में ऐसा करता है। एक्चुअली मैंने इसे यूज़ किया है, इसे लगाने के बाद आपके बाल सच में बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ हो जाते हैं। आपके बालों में बहुत ही अच्छा शाइन प्रोवाइड करती है ये हेयर सीरम। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि ब्लू कलर की बॉटल में आता है, उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी हार्श है इससे। तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी है, तो वो लोग ज़रूर स्ट्रीक्स के इस वॉलनट ऑयल हेयर सीरम को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, ये आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो बात करते हैं कि क्या हम इस हेयर सीरम को एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो गाइस। इस हेयर सीरम को आप कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करने से पहले यूज़ कर सकते हो। और जो भी हेयर सीरम होते हैं गाइस, उन्हें कभी भी अपने स्कैल्प पे या फिर हेयर के रूट्स में मत लगाना, ये सिर्फ हेयर की लेंथ में लगाने के लिए होता है। आप हमेशा हेयर सीरम को अपने बालों की लेंथ पे लगाएं, कभी भी स्कैल्प पे या फिर रूट्स पे मत लगाइए। ये आपके हेयर की लेंथ को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, बहुत ही शाइन एंड स्मूदनिंग प्रोवाइड करता है। और इसकी जो एक और ब्लू बॉटल आती है गाइस, मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने उसकी भी फुल डिटेल्ड वीडियो शेयर की है। वैसे दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो हेयर सीरम है गाइस, आपके बालों को डिटेंगल्ड करती है। जब आपके बाल उलझ जाते हैं तो ये आपके बालों को अच्छे से सुलझा देती है। सो अब मैं बताती हूँ गाइस इसे यूज़ कैसे करना है। जब भी आप अपने बालों को वॉश करके आएँ और आपके बाल जब हल्के वेट रहते हैं, तो तब अपने हाथों पे थोड़ा सीरम लेकर अपने बालों के लेंथ पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इससे आपके बालों पे बहुत अच्छी शाइन आएगी, बहुत अच्छे से नरिश करेगा ये। और अगर आपको कभी जल्दी में कहीं जाना हो और अगर आपने अपने बाल वॉश नहीं किए हैं, देन थोड़ा पानी लेकर अपने बालों की लेंथ को थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस। ड्राई वालों पे ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। जब आप अपने बालों को थोड़ा वेट कर लेते हैं तो इससे जो है ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है। ये इस तरह की पंप बॉटल में आती है गाइस, आप देख सकते हो। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, बहुत ही है ट्रांसपेरेंट है इसका टेक्सचर। और इसकी फ्रेग्रेंस ऑफ कोर्स बहुत माइल्ड है, बहुत ही अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है। और ये नॉन स्टिकी है गाइस, इसे लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल स्टिकी नहीं होंगे। जिनके कर्ली बाल होते हैं या फिर जिनके लंबे बाल होते हैं, उनके लिए तो ज़रूर एक हेयर सीरम होना चाहिए गाइस, क्योंकि जिनके कर्ली बाल हैं, लंबे बाल हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, बहुत ज़्यादा टैंगल्ड होते हैं। हेयर सीरम से जो है बाल बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं, इससे आपको हेयर फॉल भी बहुत कम होते हैं। और ये इसका बैक साइड है गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, बट इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, आप देख सकते हो। मैं इस हेयर सीरम को हाईली रेकमेंड करती हूँ गाइस। एक तो ये अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं गाइस वो अमेजिंग होते हैं, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। सो ये था मेरा रिव्यू वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।